प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे एक कहानी जो वार्तालाप के रूप में है। जंगल में एक हाथी गर्मी से परेशान होकर एक तालाब में नहाने लगता है। उसे नहाता देख खरगोश, बंदर, कौवा भी आ जाते हैं। सभी को गर्मी सता रही है। हाथी सूंड में पानी भरकर उनकी प्यास बुझाता है और नहला देता है। सब खुश होकर कुछ ना कुछ खाने की सामग्री लाकर अपना आभार प्रकट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी हाथी की ताकत। हाथी जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हाथी, तेज धूप है, गर्मी से परेशान हूँ, तालाब के पानी से नहाता हूँ। हाथी सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालने लगा। तभी एक खरगोश झाड़ी से बाहर आया। खरगोश, हाथी दादा, थोड़ा पानी मेरे ऊपर भी डाल दो। हाथी ने खरगोश के ऊपर पानी डाला। खरगोश खुशी से उछलता हुआ चला गया। यह देखकर पेड़ पर बैठा बंदर भी कूदकर नीचे आ गया। बंदर, हाथी दादा, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाथी, आओ मेरे पास आओ। हाथी ने बंदर के मुंह में पानी डाला। बंदर पानी पीकर उछला और कूदकर पेड़ पर जा बैठा। इतने में कांव कांव करता कौवा आ गया। कौवा, हाथी दादा, मुझे भी गर्मी सता रही है। हाथी ने थोड़ा सा पानी कौए पर भी डाल दिया। कौवा काँव काँव करके उड़ गया। कुछ देर बाद खरगोश पत्ता गोभी लेकर आ गया। बंदर केले का गुच्छा ले आया। कौवा अपनी चोंच में रोटी लाया। सबने हाथी दादा के साथ मिल बाँट कर खाया। हाथी, वाह, दावत में मज़ा आ गया। बच्चों, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें और सुनने के बाद अपना कार्य करें ताकि आपको कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।